हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है। आज टॉपिक आज का बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड है। पिछली क्लास अपन ने लॉ ऑफ डिमांड की देखी थी, आज अपन उसी को एक्सटेंड करेंगे आगे। क्वेश्चन बनता है व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, की डाउनवर्ड शिफ्ट होने का लॉ ऑफ डिमांड के नीचे जाने का रीजन क्या है। तो इसको रीजंस भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने का, या स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के रीजन क्या क्या हैं। तो वो सिंपल से पांच रीजन है, वही अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डिमांड जो चैप्टर है उसके बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है अपनी इकोनॉमिक्स की ट्वेल्थ की। जो भी आपको कॉन्सेप्ट या टॉपिक समझ में नहीं आ रहे उस डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन बनता है इसके पांच जो अपन ने रीजन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सिंपल सा ये जितने भी पांच रीजन है ये बताने वाले हैं अपन को कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। दैट मींस ये सारे पॉइंट क्या बोलेंगे, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे पॉइंट क्या बोल रहे हैं अपन को कि इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह क्या है, या लॉ ऑफ डिमांड के नीचे की तरफ जाने की वजह क्या है। वजह अपने पास है, रीजन अपने पास पांच है। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU, जिसका अपन ने पहले से ही वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में अगेन प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, कुछ बच्चों को याद होगा, क्या कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करता जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते रहती है। याद आ रहा है, राइट? तो जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करता जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते रहेगी। अगर कंज्यूमर की परचेज हैबिट की बात करें तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा तभी परचेज करेगा जब उसको कम से कम प्राइजेस मिलती रहेगी उस कमोडिटी की। तो सिंपल सा केस क्या है, प्राइजेस अगर कम होती है कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा, अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा देगा, और अगर प्राइजेस क्या होगी, बढ़ी हुई होगी, तो कंज्यूमर जो है डिमांड करनी कम कर देगा। तो हुआ ना नेगेटिव रिलेशनशिप। ये सारे फैक्टर अपन को नेगेटिव रिलेशनशिप ही बता रहे हैं कि हर कमोडिटी या ये जो कमोडिटी गिवन है या ये जो पॉइंट्स गिवन है सबके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड भी नीचे की तरफ फ्लो होता है। मेकिंग सेंस? सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इनकम अफेक्ट। इनकम से क्या रिलेशन है अपने लॉ ऑफ डिमांड का, वो देख लेते हैं। सिंपल सा मैंने एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना रखा है, देखेंगे। प्राइस जैसे ही कम होती है तो रियल इनकम अपनी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जितना भी आपके पास इनकम आप अर्न कर रहे हैं, जितनी भी सैलरी मिल रही है, से फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 सैलरी मिल रही है आपको, तो यहां पर क्या, अगर प्राइस कम होती है कमोडिटी की, अगर मार्केट में अगर आप जा रहे हैं परचेस करने कोई भी कमोडिटी और उसकी प्राइजेस कम मिलती है आपको, जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे कम मिलती है या कम हो जाती है उस कमोडिटी की प्राइस, तो आपकी सैलरी बच जाएगी, सैलरी बच जाएगी। नॉर्मल सी बात है, प्राइस कम होती है तो आपकी इनकम लेवल बढ़ जाता है, आपके पास मतलब कम पैसा भी ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइस कम हो गई आपके पास, अब और भी कमोडिटी परचेस करने के पास पैसे हैं आपके पास, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। हो रहा है क्लियर? जैसे ही प्राइस कम होती है तो इनकम सेव अपनी ज्यादा होगी, उससे अपन और भी ज्यादा चीजें परचेस कर पाएंगे, देयरफॉर द डिमांड विल इंक्रीज। अगेन इसका अपोजिट केस देखते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो अपनी जो पास पैसे है ना वो ज्यादा खर्च होने लग जाएंगे, राइट? प्राइस बढ़ने से अपने पैसे ज्यादा खर्च होने लग जाएंगे, मतलब अपनी इनकम कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, अपन डिमांड मतलब और चीजें नहीं ले पाएंगे, जो अपन स्पेसिफिक चीज लेने जा रहे थे वही चीज परचेस कर पाएंगे, या फिर वो चीज परचेस करने के भी अपने पास पैसे नहीं होंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। हो रहा है? तो दैट इज सिंपल मीन रेफर टू एज एन इनकम अफेक्ट। इनकम अफेक्ट में भी प्राइस घट रही है डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड घट रही है, इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर? सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट भी अपन ने पढ़ा था, कहां पढ़ा था याद आ रहा होगा आपको, कि जब अपन ने मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़े थे तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पढ़े थे अपने, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट पढ़ा था, तो वहीं से उसका डायग्राम या उसका अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया है, डायग्राम वीडियो बन चुका है अपना, चेक ऑन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स की, उसमें है अपना। दो चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ, टी और कॉफी। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, गुड्स जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सके, दैट मींस अगर आपको एक की प्राइस बढ़ गई है तो अपन स्विच कर लेते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या है, टी और कॉफी का एग्जाम्पल ले लिया अपन, टी की अगर प्राइस बढ़ जाती है, अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो सिंपल सी बात है अपन वो लेना बंद कर देंगे, नॉर्मल सी बात है, टी की जब अपने पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है,
टी नहीं तो कॉफी सही, कॉफी नहीं तो टी सही। तो यहां पर क्या, अगर प्राइस बढ़ गई अपनी किसकी, टी की प्राइस बढ़ जाती है तो टी की ही डिमांड कम हो जाती है। टी की प्राइस बढ़ गई तो सिंपल सी बात है जो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, हो रहा है क्लियर। टी की अगर प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट एक ही इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड घट जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यही बोलता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर की एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाती है तो वो उस सब्स्टिट्यूट को परचेज नहीं करता, उस सब्स्टिट्यूट की डिमांड घट जाती है, बल्कि दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है उसका कॉफी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लेकिन टी को क्या नुकसान पहुंचेगा प्राइस बढ़ने से, क्योंकि टी की डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, और यही लॉ ऑफ डिमांड में अपन शो कर रहे हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, प्राइस घटती है डिमांड बढ़ती है, मेकिंग सेंस। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स में एक होता है एग्जिस्टिंग बायर, जो कि आपका पहले से प्रोडक्ट लेते हुए आ रहे हैं, एक होता है न्यू बायर्स, मतलब नए बायर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, देखिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स। अगर मान लीजिए किसी भी कमोडिटी की प्राइस घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो न्यू कस्टमर भी आके जुड़ जाएंगे आपके साथ, नॉर्मल सी बात है। कमोडिटी की प्राइस घट रही है तो और जो नए कस्टमर अभी तक उसको परचेज नहीं कर रहे थे, उनके पास भी चांस है कि मार्केट में इस कमोडिटी की प्राइस घट गई है, क्यों ना परचेज करा जाए, क्योंकि पहले वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतनी महंगी थी कि वो कमोडिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज होने से अब वो कमोडिटी को अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसकी वजह से प्राइस के घटने से न्यू कस्टमर आना चालू कर देंगे मार्केट में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अपनी, पूरा क्लियर। जब प्राइस घटेगी तो न्यू कस्टमर आना चालू कर देंगे, जितने ज्यादा न्यू कस्टमर आएंगे डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, राइट। उसका अपोजिट हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ जाती है न्यू कस्टमर तो आने का सवाल ही नहीं है, प्राइस बढ़ जाती है तो न्यू कस्टमर का आने का सवाल ही नहीं है, प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी चले जाने लग जाएंगे या कम कर देंगे परचेस करना। तो नॉर्मल सी बात है, जब प्राइस बढ़ जाती है न्यू कस्टमर डिक्रीज हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं, उससे अपनी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, मेकिंग सेंस। अगेन प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो अपन प्रूफ कर सकते हैं इसकी वजह से डिमांड कर्व नीचे की तरफ स्लोप होता है, राइट। लास्ट फैक्टर, वेरियस यूज ऑफ अ कमोडिटी। कई फैक्टर या कई कमोडिटी ऐसी होती है जिसका सेवरल यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मिल्क वगैरह का अपन बहुत सारी चीजें, दूध भी पी रहे हैं, ठीक है, कॉफी भी बना रहे हैं अपन, और भी मिठाइयां भी बना रहे थे, बहुत सारे एक ही, इलेक्ट्रिसिटी, फोन भी चार्ज कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, तो सारी चीजें हो रही है उस चीज से। अब उसमें कैसे अफेक्ट पड़ता है, लेट्स लुक एट दिस। प्राइस अगर बढ़ती है, इफ इन केस अगर प्राइस बढ़ती है किसी भी कमोडिटी की, अल्टरनेटिव यूज होना उसका बंद हो जाता है। दैट मींस अपन, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो अपन अलग अलग चीज में उस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, अपन ज्यादा क्वांटिटी में वो चीजें नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीद पा रहे थे जब उसकी प्राइस कम थी। तो जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस, मिल्क ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, और उसकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो अपन इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चालू कर देंगे या मिल्क का लिमिटेड यूज करना चालू करेंगे। अपन पहले से ही सोच लेंगे कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अपन उसी चीज में उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि प्राइजेस बढ़ चुकी हैं उस प्रोडक्ट की, राइट। प्राइस बढ़ने से अल्टरनेटिव यूजेस घट जाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, पूरा क्लियर। जैसे ही प्राइजेस डिक्रीज होती है, अपन अल्टरनेटिव यूजेस बहुत बढ़ा देंगे उसके, और इवेंचुअली उसकी डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, मेकिंग सेंस। तो अगेन प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। अगेन अपन ने ये प्रूफ कर दिया है कि लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जिसकी कॉन्सिक्वेंस है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और अपना वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट को अपन ने ये पांच पॉइंटों की मदद से सिंप्लीफाई तरीके से प्रूफ कर दिया है कि लॉ ऑफ डिमांड नीचे की तरफ ऑपरेट होता है। आई होप सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा। थम्स अप दे दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया होगा, और भी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट गिवन है, 12th की या 11th के जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे उस पर चैप्टर्स बने हुए हैं, तो वो चेकआउट करिएगा। फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।